हम देख रहे हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन या एक रिलैक्सेशन में जो हमको टाइम लगा, हम उसको बोल रहे हैं कार्डियक साइकिल टाइम पीरियड। अगर हमको इसको मैथमेटिकली इसका अगर टाइम वैल्यू निकालनी है, तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज़ द इनवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। इनवर्स रेशियो बोला है इसलिए हमने 1/1 में लिया, और हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट होती है हमारी 75, मतलब 75 बीट्स होती है पर मिनट में। मिनट को हमने कन्वर्ट किया सेकंड्स में, दैट इज 60 सेकंड। थर्ड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में चले गया, मैथमेटिकली हमने जो वैल्यू निकाली वो थी 0.8 सेकंड्स। उसके बाद हमने देखा कि जो कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड आया वो हमारे पास आया 0.8 सेकंड्स। इसमें अब हमको देखना है ऑरिकल का 0.8 सेकंड में कितनी देर तक कॉन्ट्रेक्शन होता है, कितनी देर तक रिलैक्सेशन होता है, और वेंट्रिकल का कितनी देर कॉन्ट्रेक्शन होता है, कितनी देर रिलैक्सेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्शन, जिसको हम सिस्टोल भी बोलते हैं या डीपोलराइजेशन, और दूसरी तरफ है रिलैक्सेशन या डायस्टोल या फिर रिपोलराइजेशन। पहले हम ऑरिकल या एट्रियम का देखते हैं। जो हमारा ऑरिकल होता है वो 0.1 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है या डीपोलराइजेशन करता है, और बाकी जो 0.7 सेकंड्स बचे 0.8 सेकंड में से, तब हमारा जो ऑरिकल होता है वो या फिर एट्रियम होता है वो रिलैक्स करता है या डायस्टोल या रिपोलराइजेशन करता है। अब हम देखते हैं वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होता है हमारा वो 0.3 सेकंड्स तक कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकंड्स तक रिलैक्स करता है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट सेकंड में क्या